और जब भी इसके पपीज होंगे ना तो आप लोगों को मिल्की के पपीज मिलेंगे। लास्ट टाइम मिल्की पपीज हुए थे तो काफी लोगों ने कहा था भाई हमें चाहिए, मिल्की पपीज नहीं मिल पाए थे आप लोगों को। साहिबा का और जैनी का खाना जो है मैं रेडी कर रहा हूँ फिलहाल आ चुका हूँ ऊपर छत से अपने बच्चों के साथ। देखिए ये घूम रही हमारी साहिबा और वो बैठी हमारी जैनी। आज ना आप लोगों को अपना विलेज का थोड़ा सा व्यू देता हूँ, अभी ऊपर जाता हूँ, ऊपर से थोड़ा सा ना आपको विलेज का व्यू देता हूँ। बहुत दिन से मैं तलाश कर रहा था किसी अच्छे इंसान की जो अच्छी तरह से मिल्की केयर कर सके, तो फाइनली वो फैमिली मिल चुकी है और हमारी मिल्की जो हमारे पास जा रही है दूसरी जगह पर। कि मैंने उनसे कह दिया कि भाई वीडियो वगैरह हमें टाइम टाइम आप भेजते रहना, जिससे कि अपने यूट्यूब फैमिली को भी अपने मिल्की की अपडेट देते रहेंगे। और जब भी इसके पपीज होंगे ना तो आप लोगों को मिल्की के पपीज मिलेंगे। लास्ट टाइम मिल्की पपीज हुए थे तो काफी लोगों ने कहा था भाई हमें चाहिए, मिल्की पपीज नहीं मिल पाए थे आप लोगों को। जब भी पपीज होंगे मैंने उनसे कह दिया तो मुझे वो वीडियो वगैरह भेज देंगे। और साहिबा बोल रही ऊपर से कि मिल्की कहाँ जा रही है, कभी जो लोग ना दूर नहीं होते उससे, तो इस वजह से उसे लग रहा है मिल्की कहाँ जा रही है। अभी मैं जा रहा हूँ मिल्की को लेकर, फिर आपसे आगे मैं मिलता हूँ। हाँ तो मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाऊंगा, तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल और आप लोगों से मिलता हूँ मैं लौट के, जब मैं मिल्की को वहाँ पे छोड़ के आया। तो मैं जाता हूँ अभी, मैं लेट हो रहा काफ़ी ज़्यादा, तो आपसे मिलता हूँ मैं लौट के वहाँ से। हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल डायमंड डॉगीज ब्लॉग्स। तो गाइज अभी है मॉर्निंग का टाइम और गाइज आज के दिन की शुरुआत ना थोड़ा सा यार अजीब सी हो रही है, क्योंकि आज हमारी जो मिल्की है वो नहीं है हमारे पास। मिल्की जा चुकी है, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही था कि मिल्की जो है हमारी जा चुकी है। तो काफ़ी टाइम से एक अच्छी फैमिली को सर्च कर रहे थे तो वो फैमिली मिली, और मैं अभी आपको बताऊँगा ऊपर जाऊँगा जब मैं तब आपको बताऊँगा पूरी डिटेल में कि कैसे क्या हमारी मिल्की किसके पास गई है, कैसे गई है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और मैं फिलहाल जो खाना है वो रेडी कर रहा था। देखिए जरा मिल्की और वो मिल्की निकल रही है बार बार मुँह से। साहिबा का और जैनी का खाना जो है मैं रेडी कर रहा हूँ फिलहाल। और अभी वो लोग ऊपर है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ना काम चल रहा था नीचे, मम्मी उनको साफ सफाई कर रही है, जैसे कि आप लोग देखिए मम्मी जो है थोड़ा साफ सफाई कर रही है ना, इस वजह से उन लोगों को मैंने अभी ऊपर छोड़ दिया है। अभी मैं पहले उनको खाना पीना खिला देता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। तो गाइस फिलहाल आ चुका हूँ ऊपर छत पे अपने बच्चों के साथ। देखिए ये घूम रही हमारी साहिबा और वो बैठी है हमारी जैनी, तो इन दोनों से पहले आप लोग मिल लीजिए। और यार कल तो मतलब काफ़ी अजीब सा सीन हो गया, जो अपनी साहिबा है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाउलिंग सी कर रही थी, मतलब रोस ही रही थी जब मिल्की गई थी ना यहाँ से, तो मतलब कभी अलग रहे नहीं है एक दूसरे से, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कल साहिबा को। यार हम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट साहिबा को ज़्यादा हो रही थी। साहिबा मतलब कल रोस ही रही थी, मतलब अब भी बता रहा था मुझे, क्योंकि मैं तो वहाँ गया था ना मिल्की को छोड़ने के लिए, तो इसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी भाई साहिबा को। साहिबा बहुत प्यार करती है हमारी मिल्की से, क्योंकि ये दोनों सबसे ज़्यादा खेलते थे। देखिए बंदर कैसे बैठा हुआ है, जैनी ने देखा नहीं बंदर, वरना जैनी पीछे पड़ जाती भाई बंदर के। साहिबा को भाग के भाई बंदर के पास, अभी बंदर तो भाई भाग गया नीचे लग रहा है, और ये दोनों देखते रह गए। हो गया बंदर भाग गया, बंदर रुकते नहीं है हमारे साहिबा के सामने। इसको साहिबा बंदर भगा दिए हैं, बच्चे बंदर भगा दिए गाइस। अपने बच्चे दो यार अकेले रह गए, अपनी मिल्की जो है जा चुकी है अपने न्यू फैमिली में। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि मिल्की हमने कहाँ दी है और कैसे दी है। देखिए गाइस मतलब मेरी बात तो काफ़ी टाइम से चल रही थी मिल्की के लिए कि मिल्की को हम किसी को मतलब एक अच्छी फैमिली में देंगे मिल्की को, बट यार हम दे नहीं पा रहे थे क्योंकि हमें कुछ ऐसे इंसान नहीं मिल रहे थे जो अच्छी तरह से मिल्की की केयर कर सकें। क्योंकि देखिए मैंने मिल्की को ना फ्री में नहीं दिया है, काफ़ी भाई कहेंगे कि भाई फ्री में दे देते हमें दे देते, बट मैंने फ्री में मिल्की को किसी को नहीं दिया, मैंने जो है मिल्की को सेल ही किया है, ठीक है। क्योंकि फ्री में देने से क्या होता है ना, डॉग की लोग ना केयर नहीं करते भाई बिल्कुल भी। और देखिए ये दोनों अपने में लगे हुए हैं खेलने में, अभी मिल्की नहीं है, वरना मिल्की तो भाई इन दोनों की मतलब रेल बना देती है मिल्की भागते भागते। तो गाइस मिल्की को दिया है मैंने एक ब्रीडर के थ्रू, और ब्रीडर से मैंने मतलब कह रखा था कि भाई कोई अच्छी फैमिली मिले तो आप लोग मुझे बताना, और मैं भी सर्च कर रहा हूँ। तो एक भाई और थे वैसे तो वो, लेकिन गुजरात के थे, वो काफ़ी ज़्यादा दूर भी थे, और दूसरी बात उनको कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गई थी तो वो ले नहीं पाए थे मिल्की को, वरना वो लेने की कह रहे थे वैसे। तो कोई बात नहीं, हमने वहाँ नहीं दी मिल्की, बट एक अच्छी फैमिली हमें मिल्की को मिल चुकी है। और मिल्की की वहाँ से मैंने कह दिया वैसे तो कि वीडियो वगैरह हमें सेंड करते रहना आप लोग जैसे भी हो। और ये देखो मेरे साथ साथ कहाँ कहाँ भाग रही है। तो गाइस मैंने उन लोगों से कह दिया था कि मिल्की की ना वीडियोज़ वगैरह सेंड करते रहना आप लोग जैसे भी मिल्की की कंडीशन हो। और पपीज़ वगैरह के लिए मैंने कह दिया कि पपीज़ जब भी हो तो भाई बता ज़रूर देना, क्योंकि हमारी मिल्की के पपीज़ लेने के लिए काफ़ी लोगों ने कहा था पहले, बट ले नहीं पाए थे क्योंकि दो तीन ही पपीज़ हुए थे, एक उनको दे दिए थे, एक पपीज़ एक्सपायर हो गया था, और एक फ़ीमेल थी वो अपने यूट्यूब फैमिली से ही किसी ने एक मतलब ले लिया था उसे पपी को। तो आप कभी भी पपीज़ होते हैं ना मिल्की के तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, अपडेट दे दूँगा। और गाइस देखिए इन लोगों का खेलने कूदने का सिस्टम ही चलता रहता है। और देखो साहिबा ने जैनी को भाई दबा लिया। साहिबा कितने आराम
से बैठ गई है। अब देखो तुरंत आ गई, जैसी वीडियो शुरू हो जाती है तुरंत आ जाते हैं भाई। इन्हें पता पड़ गया कि हमारी वीडियोज़ बनती है ना यूट्यूब पर, इन्हें सब पता पड़ गई भाई। तो गाइज अब आप लोगों को साहिबा और जैनी की ही वीडियोस मिला करेंगी। अब मिल्की हमारे पास नहीं है तो मिल्की की वीडियो तो नहीं आया करेगी अब। हाँ कभी कभी मतलब मंगा लिया करूँगा, बट अभी ज़्यादातर आप लोगों को ना साहिबा की और जैनी की ही वीडियोस मिला करेंगी। तो गाइज़ मैंने तो अपना चैनल मतलब खाली इसलिए बनाया कि अपनी एक फैमिली बनाना चाहता था यूट्यूब पर। तो थोड़ी बहुत फैमिली अपनी बन भी गई है, आगे आगे बढ़ भी रही है फैमिली धीरे धीरे करके। कोशिश करेंगे कि हमारी फैमिली और अच्छी हो जाए। और साहिबा देखो मेरे साथ खेलना स्टार्ट कर देती, थोड़ा सा मैं इसके पास चले जाऊँ बस, फिर तो खेलना स्टार्ट कर देती भाई साहब। तो बस आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए डायमंड डॉग्स व्लॉग्स को, और कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस देने की। ऐसी वीडियोस का मतलब जो व्लॉग्स होते हैं, फैमिली व्लॉग्स बनाता हूँ मैं अपने डॉग के साथ, तो वही आते रहेंगे। देखिए गाइस साहिबा हमारी कितने ज़्यादा मज़े ले रही है। अभी जैनी ना फिलहाल जैनी का मूड नहीं खेलने का, वरना जैनी बहुत ज़्यादा शैतान है भाई हमारी। अभी साहिबा का मन कर रहा है ज़्यादा खेलने का। तो धूप आ रही है अभी हल्की हल्की, और एक दिन से थोड़ा सा मौसम जो है ना चेंज हो गया यार, ठंड ठंड सी हो गई हल्की हल्की। पहले बिल्कुल अच्छा हो गया था बीच में, लेकिन बाद में फिर यार थोड़ा सा मौसम कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि शिवरात्रि आने वाली है ना, इस वजह से ऐसे टाइम पे थोड़ा सा वेदर जो है चेंज हो जाता है। आज ना आप लोगों को अपना विलेज का थोड़ा सा व्यू देता हूँ, अभी ऊपर जाता हूँ, ऊपर से थोड़ा सा ना आपको विलेज का व्यू देता हूँ। सिनेमेटिक शॉट होगा केवल, थोड़ा सा छोटा सा ही बनाऊंगा बस, आप लोग देखना बस, छोटा सा हमारा विलेज है वो आपको दिखाता हूँ आज। सो देखिए off at these f***ing clowns Hoover up top, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till ऊपर आया। देखो साहब आगे कैसे खड़ी होगी जीने पे, ऊपर नहीं आ रही है क्योंकि मैं अभी से बुलाया नहीं था ना मैंने इसे, इस वजह से ऊपर नहीं आई। चलो 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 नीचे, चलो नीचे, चलो भागो, चलो भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। हाँ चलो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जिससे कि आप लोगों को और भी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और यूं ही डॉग के साथ वीडियोस आती रहेंगी, ब्लॉग्स आते रहेंगे, ऐसे ही डायमंड डॉग्स को प्यार करते रहें और शेयर भी करते रहें वीडियोस को, जिससे कि लोगों के पास और भी वीडियोस हमारी पहुंचती रहें। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पेट्स का खास तरह से ख्याल रखें। और देखिए ये तो अपना ख्याल खुद रख लेते हैं, इनको ज़रूरत नहीं ख्याल की भाई। और देखो इन्होंने बोरी का क्या हाल किया था, कल मैंने इनको ऊपर छोड़ दिया था यहाँ पे और बोरी पूरी फाड़ दी इन लोगों ने, बहुत शैतान है भाई। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।